हेलो वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन. लेट स्टार्ट विद सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 15C. ठीक है, आज स्टूडेंट हम देखेंगे 15C एक्सरसाइज. नाउ सी इन एक्सरसाइज 15C फर्स्ट क्वेश्चन. इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ ट्रायंगल द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर गिवन बिलो. इसमें ये पूछ रहा है कि ट्रायंगल के थ्री साइड्स दिए हुए हैं और कौन से ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, कौन से ट्रायंगल बन सकते हैं. फर्स्ट इसमें है, फर्स्ट का फर्स्ट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर. ठीक, तो लेट द नंबर इज लेट नहीं, यहां पे हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है. कंसीडर द नंबर इज साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो साइड है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन है कि क्या इस रेंज का, इस लेंथ का ट्रायंगल बन सकता है. देखिए इसका सिंपली है कि क्लियरली हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों को प्लस ग्रेटर देन. ठीक, ये इसका फॉर्मूला है कि दो साइड को अगर हम प्लस करते हैं तो तीसरे से वो बड़ा होगा. ठीक, तो यहां पे क्या है, 1 और 2, 2 जो है 1 से बड़ा है, इसलिए हेंस द सम ऑफ टू दीज नंबर इज ग्रेटर देन द थर्ड, हेंस ट्रायंगल इज पॉसिबल. ठीक है, यहां पे दो नंबर का प्लस थर्ड वाले से बड़ा है, ये लिखा है ना, सम ऑफ टू दीज नंबर इज ग्रेटर देन द थर्ड, तीसरे साइड से बड़ा है दोनों का प्लस, इसलिए ट्रायंगल इज पॉसिबल. ट्रायंगल क्या है, पॉसिबल है, बन सकता है. इसी में फर्स्ट का देखिए आप, थर्ड, थर्ड वाला यहां पे क्या है साइड, कंसीडर नंबर 7, 8 एंड 15, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. अब इसको देखना है कि क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है, बन सकता है. ठीक है, देखिए क्लियरली हम इसको पहले फर्स्ट और सेकंड साइड को ऐड करेंगे, क्या हो रहा है, 7, 8, 15 इक्वल टू 15 है, मतलब तीसरे साइड के थर्ड साइड के बराबर है, तो बराबर है तो फिर क्या होगा, नॉट पॉसिबल, इतना लिखा है ना, इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड, हेंस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है. ठीक है, समझ में आ रहा है, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा अगर दोनों का सम ग्रेटर ना हो, ये दोनों का सम इससे ग्रेटर होना चाहिए. यहाँ पे क्या है, इक्वल है, 7 एंड 15, ये 15 इक्वल है, तो इक्वल होगा तो ग्रेटर नहीं होगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन भी टेबल, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. ट्रायंगल का दो साइड 5 सेंटीमीटर है और 9 सेंटीमीटर है. व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, थर्ड साइड का लेंथ क्या होगा. देखिए द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर. लेट द थर्ड साइड बी x, मान लीजिए थर्ड साइड x होगा. ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 एंड प्लस x दोनों का प्लस क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 9 से, 9 से ग्रेटर होना चाहिए.
ठीक है। तो यहाँ पे 5 तो पहले से है ना, और x क्या हो सकता है, अगर x 4 होगा तो 5 4 9 इक्वल हो जाएगा, नहीं हो पाए तो 4 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए x ग्रेटर देन 4, ठीक है ना। x यहाँ पे 4 से बड़ा होगा मतलब अगर 5 हो जाता है तो 5 5 10 तब तो पॉसिबल हो जाएगा, 9 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए therefore x greater than 4, ठीक है। If 9 plus s, अगर 9 और x को प्लस कर देते हैं तो ये greater than 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, x जो है इसमें भी 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो x greater than 4, clearly। Now, 5 plus 9 अगर लेते हैं, 5 plus 9, तो 5 plus 9 greater than x, x से बड़ा होना चाहिए, that is 9 and 5, 14, ठीक है, और 14 greater than x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, यहाँ देखिए 4 से बड़ा होना चाहिए, 4 से greater than x and 14 से less than, 14 से less than x, ये हमको मिला यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो हम लिखेंगे hence 4 greater than x greater than 4 and less than 14, ये आपका answer हो गया, this is answer। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 से बड़ी होनी चाहिए और 14 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स है, इफ पी पॉइंट इंटीरियर फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और ग्रेटर देन और लेस देन का आपको इसमें सिंबल लगाना है। सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड बताया गया, दो एंगल का सम तीसरे से बड़ा होगा, ठीक है ना, दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। तो इस एरर पे आप इसको कर लेंगे बाय दिस। क्वेश्चन नंबर 4, ए एम इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसमें ट्रायंगल है ए बी सी एंड ए एम, ए एम क्या है, मीडियन, मीडियन मींस बीच का जो लाइन है। Prove that AB plus BC plus CA greater than 2AM. मुझे सर AB plus BC plus CA जो है greater होगा 2AM. Let see this here. This triangle ABC median AM in a triangle. In triangle ABM, ABM. This triangle, ठीक है, ABM इसमें क्या होगा, ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम ग्रेटर देन ए एम, ए एम से बड़ा होगा, क्लियर, क्लियर सी बात है कि इसका ऐड और इसका ऐड इससे ग्रेटर होगा। देन इन ट्रायंगल ए एम सी, ए एम सी, ठीक है, आपका पहले ए बी एम देखा था, ये वाला ट्रायंगल देखा था, ठीक, और ए एम सी ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या इसके है, ए सी प्लस एम सी, ए सी प्लस एम सी, ए सी प्लस एम सी ग्रेटर देन ए एम, ग्रेटर होगा ए एम, ए एम से बड़ा होगा ना दोनों का ऐड, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडिंग करेंगे, ए एम हमने कॉमन लिया है, ए एम जो है दोनों ट्रायंगल के कॉमन है ना, ये ए एम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हमने इस साइड को प्लस करके ग्रेटर देन ए एम दिखाया, और फिर दूसरे में इस साइड को और इस साइड को प्लस करके ए एम हमने ग्रेटर, यहाँ पे ए एम जो है इन दोनों से लेस दिखाया, ठीक है। अब ऐड ऐड करेंगे दोनों इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, देखिए ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम टू एल एच एस, एल एच एस में मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो ऐड कर दीजिए ए बी प्लस बी एम, ए सी प्लस एम सी, एम
FC plus AC greater than AR plus A, ठीक है। AM यहाँ पे दो है ना, एक AM यहाँ पे, एक AM यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया, टू AM हो गया ना, एक AM यहाँ पे इस इक्वेशन में, टू AM। देन आफ्टर AB प्लस BM प्लस MC, इसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस AC टू AM। BM और MC क्या है, ये BM और MC, BM और MC ये क्या हो जाएगा, BC टोटल BC, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, BC, ये देख रहे हैं, इसकी जगह पे BC। तो hence AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, AC लिखिए या CA लिखिए, ठीक है, लेस देन ये आपका प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला था, दैट इज प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ आपका सेम क्वेश्चन है, देख फिफ्थ हमने देखा, ये फोर्थ हमने देखा, और फोर के सेम क्वेश्चन फिफ्थ वाला है। अब सिक्स हम देखेंगे, एबीसीडी एक्विलेट क्वाड्रिलेटरल, प्रूफ दैट एबी प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस डीए ग्रेटर देन एसी प्लस बीडी, यहां पे प्रूफ है, यही प्रूफ करना है। देखिए यहां पे क्वाड्रिलेटरल, अब इसमें हमने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, इन एबीसी, एबीसी में ये ट्रायंगल है ना, एबीसी ट्रायंगल, एबीसी एबी प्लस बीसी, एबी प्लस बीसी ग्रेटर होगा ये एसी से, इक्वेशन वन, बीसीडी में, बीसीडी में बीसी प्लस सीडी, मतलब बीसी और सीडी, ठीक, डायगोनल को हम उधर लेंगे, डायगोनल है बीडी, ठीक है, इन सीडीए, सीडी सीडीए इस ट्रायंगल, सीडीए ये ट्रायंगल में हम डायगोनल को साइड में कर देंगे, इन दोनों को साइड को प्लस करेंगे, क्या होगा, सीडी प्लस डीए, ठीक है ना, ग्रेटर देन एसी, ठीक है, एसी। डायगोनल को कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डायगोनल कॉमन है, ये जो डायगोनल है इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए, ये डायगोनल इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए भी है, ठीक है, तो हम कॉमन लेंगे तो हमारा इक्वेशन लास्ट में फिर छोटा हो जाएगा ऐड करने से। इसी तरह इसमें डीएबी में, डीएबी इस ट्रायंगल में ये डायगोनल हम कॉमन ले लेंगे, तो हम पहले साइड को प्लस करेंगे, ये प्लस एबी, ठीक है, ग्रेटर देन बीडी, इक्वेशन फोर। नाउ एडिंग आल फोर इक्वेशन, वन टू थ्री फोर सबको ऐड करेंगे, ऐड करिए क्या आता है, एबी प्लस बीसी, बीसी प्लस सीडी, सीडी प्लस डीए एंड डीए प्लस एबी, डीए प्लस ए ग्रेटर देन एसी बीडी, एसी एंड बीडी, ठीक है। नाउ क्लियरली आप देखिए यहां पे एसी यहां पे दो बार है, 2AC लिख दिया, BD यहाँ पे दो बार है, 2BD लिख दिया, हो गया ना। यहाँ पे देखिए AB और AB, 2AB, BC and BC, 2BC, CD and CD, 2CD, DA and DA, 2DA, हो गया, 2AB, 2BC, ठीक है, एकदम क्लियर है आपको, यहाँ पे बहुत आसानी से बताया गया। अब देखिए यहाँ पे टू, टू को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि टू सब में है, ठीक है ना, ये सारे में है टू, टू हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, टू हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, नाउ टू कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में ए बी बी सी डी ए, टू कॉमन हो गया तो एक तरह से आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, ये टू कॉमन में आपको टू जो है
रिमूव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर भी टू कॉमन है, इधर भी टू कॉमन है, टू रिमूव हो गया, दोनों तरफ टू है कॉमन, तो टू रिमूव कर देंगे, हम लिखेंगे ए बी बी सी सी डी डी, ये ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, ठीक है, हेंस दिस इज प्रूव्ड। आपका प्रूफ हो गया, यू कैन राइट डाउन दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 15C, ये आपका टोटल 15C आपका ये है, ओके स्टूडेंट्स, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।